गरियाबंद के ग्राम कोटवाया हाई स्कूल में पदस्थ प्राचार्य द्वारा स्कूल में अपनी तानाशाही शासन चलाया जा रहा है और स्कूल के बच्चों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं प्राचार्य द्वारा 11वीं कक्षा के छात्र की पिटाई करने के दौरान गंभीर चोटें आई हैं और छात्र घायल स्थिति में अपने घर पहुंचा तो छात्र के परिजन कलेक्टर के पास पहुंचे और साथ ही साथ पहुंचने पर उन्होंने शिकायत की और गंभीरता को देखते हुए प्राचार्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही। मतलब तो मार खाए तो वातावरण बोला मार भी खाया था दिन भर टाइम नहीं घर में बच्ची के खिलाफ अभी बोला मैं हड्डी मत मारू ऐसा कर दिया तो बोलते कि हड्डी में मारू तो सीधे मारू ऐसा कर दिया। नदू जी उसके साथ भेजा था और उन्हें ट्रीटमेंट करने के लिए निर्देश दिए हैं और वहाँ से संबंधित प्राचार्य नीला बोली है, उसे कलेक्टर सर के पास समक्ष में बुलावा किया गया है पेशी और उसके बाद उसकी स्थिति को स्पष्ट करते हुए उन्होंने आवश्यक कार्रवाई की।